नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, धनु राशि वालों, आखिर क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 5 दिन आने की 16, 17, 18, 19 और 20 अगस्त दोस्तों, इन 5 दिनों में पैसों का पहाड़ लगने वाला है। अर्थात इतना पैसा आपको मिलेगी जिसे गिनते गिनते आप लोग बेहोश हो जाओगे। बस दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ कि एक गलती बिल्कुल भी मत करना, अन्यथा बर्बाद हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ग्रह नक्षत्र का प्रभाव सीधा सीधा आपके ऊपर पड़ने वाला है और आप लगातार अगर यही गलती करते रहेंगे तो ना ही आप जीवन में कभी सफल हो पाएंगे और ना ही आपके घर में कभी माता लक्ष्मी जी का वास होगा। दोस्तों, वीडियो को आप लोग अंत तक ध्यान से जरूर देखना। हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि आपका किस्मत जरूर पलट जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक नया समय आएगा। आने की जिस समय का या जिस दिन का आपको इंतज़ार था, वह समय भी जरूर आएगा। बस आपको यह 5 दिनों में इन गलतियां बिल्कुल ही ना करनी होगी। दोस्तों, यह 5 दिनों में बिजनेस के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या परिवर्तन और क्या क्या अनोखे बदलाव होने वाले हैं और आपको क्या क्या बड़े बड़े मौके भी मिलने वाले हैं और क्या क्या खुशखबरियाँ भी आप लोगों को इसमें मिलने वाली हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी आप लोगों को हम देंगे। दोस्तों, आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, आइए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता लक्ष्मी जी जरूर लिखें। दोस्तों, माता लक्ष्मी जी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य भी बन जाएंगे और आपकी ज़िंदगी की सारी परेशानियाँ भी दूर होंगी और सारी दुख तकलीफों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं कि आप लोगों को आने वाले अगले 5 दिनों में कौन सी गलतियों को करने से बचना होगा। दोस्तों, अगले 5 दिनों में आप खुद को जितना ही सार्थक बनाए रखेंगे उतना ही आपका आने वाला समय अच्छा रहेगा। दोस्तों, अर्थात कहने का मतलब यह है कि आपने अपनी कुछ बुरी आदतों को बदल लिया तो आपका आने वाला कल अपने आप ही सुधर जाएगा। बड़ी दोस्तों, आपकी सबसे बड़ी और बुरी आदत है आपका क्रोध। दोस्तों, आप गुस्से में किसी को क्या बोल दें या फिर क्या निर्णय ले लें या फिर किसी को क्या जुबान दे दें या फिर किसी को क्या कुछ भी कह दें, दोस्तों अब इसका नतीजा क्या होगा? जब आपका गुस्सा शांत होगा तब आपको पता चलेगा कि आखिर हमने क्या गलती कर दी और इस गलती की वजह से आपको ज़िंदगी भर भी पछताना पड़ता है। दोस्तों, इसलिए आप जीवन में जो भी कार्य करेंगे, जो भी निर्णय लेंगे, उसे सोच समझकर और आगे पीछे देखकर ही लें। दोस्तों, इसका अंजाम आने वाला कल में क्या होगा, अच्छा होगा या फिर बुरा होगा? जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस बात को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं आने वाले अगले 5 दिनों की महत्वपूर्ण राशि फल के बारे में कि दोस्तों आने वाले 5 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव तो क्या क्या परिवर्तन भी होने वाला है। आइए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों, आने वाला यह 5 दिन आप सभी के लिए बेहद ही लाभप्रद और उन्नति कारक रहेगा। दोस्त, यह समय की शुरुआत में ही कार्य क्षेत्र में सीनियर से मिली शाबाशी और जूनियर का सहयोग आपके लिए ऊर्जा का काम करेगी। दोस्तों, इस दौरान आपको कोई बड़ी उपलब्धियां भी हासिल हो सकती है और दोस्तों रिसर्च आदि का काम करने वाले लोगों के लिए इसमें शुभ समय साबित हो सकती है। दोस्तों, यह समय घर परिवार में मांगलिक कार्य भी संपन्न होंगे जिसमें परिवार के साथ हंसी खुशी समय बिताने के कई मौके भी आपको इसमें मिलेंगे और विद्यार्थी वर्ग के लिए यह समय बेहद ही शुभ साबित होगा। यह समय के अंत तक कोई बड़ी खुशखबरियाँ सुनने को भी उनसे मिल सकती है। और दोस्तों, यह समय के मध्य में अपने कार्य क्षेत्र में वृद्धियों से आप सतर्क रहें, वे आपके मान सम्मान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी कर सकते हैं। यह समय बुरी नज़र से बचने के लिए आप कार्य क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों, गुणगान और योजनाओं का खुलासा किसी के सामने करने से बचें, अन्यथा आपको जिंदगी भर पछतावा भी होगा। और दोस्तों, यह समय के उत्तरार्ध में घर परिवार से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला लेते समय माता पिता का पूरा सहयोग भी आपको मिलेगा। प्रेम प्रसंग की दृष्टि से भी यह समय आपके लिए अनुकूल साबित होने वाला है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपके बाद भी यह समय बन जाएंगी। वहीं पहले से चले आ रहे प्रेम संबंध मजबूत भी होंगे और एक दूसरे के प्रति विश्वास भी जागेगा और जीवन साथी के साथ संबंध मधुर भी बने रहेंगे और आप एक सुखी वैवाहिक जीवन भी व्यतीत करेंगे।
और दोस्तों यह समय नए उद्यम की शुरुआत भी हो सकती है या एक नए सौदे को अंतिम रूप भी दिया जा सकता है। भविष्य में यह अत्यधिक लाभ अर्जित कर सकता है और व्यावसायिक और सामाजिक दायरे में सम्मान और प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए भी समय अनुकूल है और आपको योग्य लोगों के साथ मुलाकात भी ऐसे में हो सकती है और पारिवारिक जीवन आरामदायक और शांतिपूर्ण भी रहेगा। आपके पास नए अधिग्रहण हो सकते हैं जो आपकी जीवन शैली में सुधार करेंगे और आपकी संतुष्टि में वृद्धि भी करेंगे। आप और आपके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य शुभ रहेगा और कोई बड़ी चिंता नहीं होगी। और दोस्तों ऑफिस में किसी बड़े अधिकारियों का सहयोग भी आपको इसमें प्राप्त होगा और जिन छात्रों का या इसमें फिलोसफी का एग्जाम है उसका दिन अच्छा रहेगा और एग्जाम में कुछ ऐसा सवाल भी आएंगे जो आपके मन मुताबिक होंगे और दाम्पत्य जीवन में या इसमें मधुरता रहेगी। सुबह उठकर जॉगिंग पर जाने से दिन भर खुद को तरोताजा महसूस भी करेंगे। इसमें आपको अपनी मेहनत का फल अवश्य ही मिलेगा। और दोस्तों यह समय आपको थोड़ा सा संभल कर ही रहने की आवश्यकता पड़ेगी। किसी भी काम को करने से पहले धैर्य रखें और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी यह समय मिलेगी। सरकारी नौकरी के इच्छुक लोगों को सरकारी नौकरी मिलने के योग भी बन रही हैं। आप उन योजनाओं में निवेश करने से पहले दो बार सोचें जो आपके सामने आई है। मन पर कंट्रोल करने की कोशिश करें और किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर आपकी राय लोगों के लिए फायदेमंद भी साबित हो सकती है। और दोस्तों यह समय कोई भी रुका हुआ काम पूरे होने से आपको खुशी भी मिलेगी। शाम तक आपको कोई भी शुभ समाचार भी प्राप्त होगा जिससे घर का माहौल खुशियों से भर जाएगा और आसपास के लोग आपके व्यक्तित्व से प्रसन्न भी होंगे। आप ताजगी से परिपूर्ण भी रहेंगे और लव मैन के साथ आपका दिन बेहतर भी गुजरेगा। आपकी बातों से कुछ लोग प्रभावित भी होंगे और सोचे हुए कार्य की गति भी मजबूत होंगी। आपको धन लाभ के कई मौके भी इसमें मिलेंगे। बिजनेस में कुछ बदलाव होने के योग बन रहे हैं और ये बदलाव आपके फेवर में भी रहेगी। और दोस्तों यह समय पैसों के लिहाजा से भी समय आपके लिए बेहतर ही रहेगा। अचानक यह समय धन लाभ हो सकती है और घर पर कुछ मेहनत भरा या फिर ज़्यादा समय लेने वाला काम भी निपटाना पड़ेगा। कोई ऐसा काम करने की इच्छा हो सकती है जिससे आने वाले दिनों में आपको फायदा होगा। आप में नया कार्य प्रारंभ करने की प्रेरणा भी जागृत होंगी। जीवन साथी या बिजनेस पार्टनर के साथ विचार विमर्श भी होगा और घर परिवार में किसी भी मांगलिक आयोजन से सम्मिलित होने का अवसर भी आपके समय प्राप्त होगा जिससे आपका मन भी इसमें काफ़ी खुश नजर आएगा।